और लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट इज ऑलरेडी देयर, सो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आ गए। विजय बापना जी भी पास प्रेसिडेंट भी है। सर मैं सत्यपाल जी रामनी मलिक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम चंडीगढ़, ही इज ऑल्सो देयर। मेनी अदर प्रोमिनेंट पीपल आर देयर, सो लेट अस स्टार्ट विद भावना द। दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्योहार थैंक यू प्रकाश जी। आज ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमने एक ऐसी वेबिनार के आयोजन के बारे में सोचा और उसको मूर्त रूप प्रदान किया, जिसका उद्देश्य था कि महावीर इंटरनेशनल में जो लोग महावीर इंटरनेशनल के नाम से परिचित है, काम से भी थोड़ा बहुत परिचित है, लेकिन फिर भी वो हमारे सदस्य नहीं है। हमने सोचा कि हम महावीर इंटरनेशनल को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसी भावना के साथ इस वेबिनार का मूर्त रूप सामने आया। आज के इस वेबिनार में आप सभी महानुभाव, गणमान्य जन जो अलग-अलग क्षेत्रों से यहाँ पर शामिल हुए हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस बात के लिए कि इस नेक काम में आने का उन्होंने समय निकाला। आज हमारे बीच में कुछ विशिष्ट विभूति भी बीच में है। डॉक्टर सत्यपाल जैन जो मेंबर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़, और वो अभी इसके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है। ऐसे ही कुछ और लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, आने की संभावना है, बहुत लोगों को आमंत्रित किया है। मैं उन सब लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस वेबिनार में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि महावीर इंटरनेशनल को लॉन्च करना, यानी कि आप लोगों को महावीर इंटरनेशनल के बारे में जानकारी देना कि महावीर इंटरनेशनल क्या है, क्या काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, किस तरह का इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इन सब बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना और सब तरह की जानकारी आपको एक बार में उपलब्ध कराना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। मैं बीच बीच में आपके साथ महावीर इंटरनेशनल की बहुत सारी जानकारियां साझा करता रहूंगा, लेकिन इसी बीच में अब हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
फॉर्मल तरीके से, और मैं आई वेलकम द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट शांति जैन साहब, द आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस. He needs no introduction because he is a man of that caliber. He has been the president of Mahavir International for last 4 years, and he has been serving to the best of his capability to the organization to uplift this organization to the highest level. मैं शांति जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखे. वेलकम सर. धन्यवाद अनिल जी. जय महावीर. आज की इस वेबिनार में उपस्थित सभी वीर भाइयों, वीरा बहनों और हमारे दूसरे अन्य भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है. आज एक्चुअल में हम महावीर इंटरनेशनल के बारे में उन लोगों को बताना चाहते हैं जो हमसे जुड़े हुए तो हैं लेकिन इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं. मैं उसके बारे में अभी आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब 1989 का दिन मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जब श्री एस के जैन, जो मेरे अभिन्न मित्र थे, उन्होंने मुझे महावीर इंटरनेशनल का मेंबर बनने के लिए एडवाइस किया और सजेस्ट किया. तो मैंने रिलेक्टेंटली मेंबर बन गया बिकॉज सरकारी नौकरी में एज ए डिप्टी कमिश्नर और पुलिस रहते हुए लगता है किसी एनजीओ में कहीं गलत नहीं फंस जाए. उससे पहले तक मुझे महावीर इंटरनेशनल के बारे में कोई जानकारी नहीं. लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये, वो खुद डिप्टी सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उन्होंने कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें को ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा. शुरू में ज्वाइन किया और उनके साथ जब 2-4 प्रोग्राम्स में हम गए जहाँ पे हमने हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए, बच्चों को कॉपी किताबें डिस्ट्रीब्यूट की, और थोड़े दिनों मैंने पाया कि ये एक ऐसी संस्था थी जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के पूरी प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए आगे रहती थी. धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. मुझे लगा कि मैं पुलिस की सेवा में जो भी काम कर रहा हूँ वो तो उसके लिए आई एम पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ये जो काम है, ये काम करके, लोगों की सेवा करके जो खुशी मिलती है वो अद्वितीय होती है. और उसी से धीरे धीरे मेरा महावीर इंटरनेशनल में इंटरेस्ट बढ़ता गया. और उसके 8 साल के बाद में करीब मैं महावीर इंटरनेशनल जयपुर दिल्ली सेंटर का चेयरमैन हो गया और करीब 10 साल मैं चेयरमैन के रूप में मैंने काम किया. मुझे लगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेवा में ही विश्वास रखता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका नाम से जो लोग उसके संपर्क में आए हैं वो उसके उसके नाम से ही कसम खा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन समर्पित लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी रिटर्न की इच्छा के, खाली सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं. अपने अपने क्षेत्र में हमारे मेंबर्स बहुत आगे बढ़े हुए हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और सभी का एक ही है कि हमें सेवा करनी है और सेवा के लिए आगे आए हैं. उनका कोई किसी भी किस्म का स्वार्थ इसमें नहीं है. तो ये मेरे के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ. और मुझे लगा कि एस के जैन साहब ने एक बहुत बड़ा उपकार का काम किया है जो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मेम्बर बनाया. और तब से लेके आज तक महावीर इंटरनेशनल हमारे दिल और आत्मा में बस रहे हैं. हमारे साथ हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत जानकारी देंगे. मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मानव सेवा में तत्पर है, प्राणी मात्र की सेवा में तत्पर है, उससे जुड़ के अगर हम कुछ सेवा के कार्य कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी. जय मां. जय मां. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. मैं हमारे पास्ट प्रेसिडेंट विजय बाफना जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि वो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं. नहीं, आप दे दीजिए 10 मिनट, कोई बात नहीं. आप कुमार साहब को, उनको पहले बोलने दीजिए प्लीज. आफ्टर दैट ओनली आई विल स्पीक. इन दैट केस वी गो बाय दिस सीरियल. यस, राज भाई और कुमार साहब, राज लोढ़ा जी और वो है. सबसे पहले मैं कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में महावीर इंटरनेशनल क्यों अच्छी संस्था है इसके बारे में बताएं. सर, आपके मुख से हम वो शब्द सुनना चाहेंगे और सब लोगों को ये पता लगना चाहिए. आर एस कुंभट साहब इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर. ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ही हैज सर्वड एज इंटरनेशनल पास्ट प्रेसिडेंट फॉर 4 years. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कुंभट साहब, पास्ट प्रेसिडेंट, टू स्पीक फ्यू वर्ड्स. सर, धन्यवाद
जैन साहब, इसके सॉरी धन्यवाद सबको जो भी सब आगंतुक हैं, और श्री जैन साहब को सबको। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि बहुत अर्ली स्टेज में मेरा इसकी संस्था से परिचय हुआ और मेरे को इस संस्था से जुड़ करके बहुत ही खुशी हुई। मेरे जो कुमार साहब म्यूट अनम्यूट कर ले सर। तो मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि इसकी संस्था का जो सारांश है वो इसी में है, सबकी सेवा सबका प्यार, किसी को कोई भी मतलब मानवता ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए सेवा और प्राणी मात्र के लिए प्यार, और जिसमें सेवा और प्यार के अलावा कोई तीसरा कोई उद्देश्य नहीं रखा गया। कोई भी पद के लिए कोई आवश्यकता नहीं किसी को भी भागने दौड़ने की, सब सेवा के लिए आगे आते हैं और सेवा के लिए ही काम करते हैं। इसलिए ये संस्था मुझे बहुत अच्छी लगी और हमने बहुत हम्बल तरीके से शुरू किया। कुल मिलाकर के सारे राजस्थान में और दिल्ली में फरीदाबाद मिलाकर के 20-30 संस्थाएं थी जब मैं चेयरमैन बना था, लेकिन सेवक भाव सब बढ़ा और धीरे धीरे इन 40 सालों में संस्था की काफी प्रगति हुई है और 10 गुना से ज्यादा नंबर हो गया है। तो ये इसी से हुआ है और इसमें एक स्कोप सेवा का कोई लिमिटेड नहीं है, जो जिधर नजर डाले जिधर सेवा का ना काम आए उसको हम कर डाले। डू ए गुड टर्न एवरी डे, ये नारा है। तो वो जो है इस नारे को लेकर के हमने काम शुरू किया। जैसे जयपुर में हमने हमारे पास केवल एक ही काम था, दवाइयों का वितरण। तो जितनी भी लोगों के पास अनयूज्ड मेडिसिन थी उन सबको इकट्ठा करना, और हमने एक बैंक बनाया उसमें SMS हॉस्पिटल में, और वहां से दवाइयां का वितरण करते थे। फिर विकलांगों का काम भी आ गया, फिर बच्चों को किट वितरण का काम, प्लांटेशन का काम, सब तरह के काम जो भी दिखाई दिया वो किया। जहाँ पर आपदा आई तो आपदा के अंदर शामिल हुए, चाहे नेपाल में आपदा हुई तो महावीर इंटरनेशनल वहाँ गया, गुजरात में भूकंप आया तो वहाँ पर गया। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चला और सब जनों ने कहा। और एजुकेशन का काम भी जैसे बड़ौदा ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो हर जगह पे हर तरह से सेवा का काम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी आदमी को थोड़ा सा भी जीवन में संतोष प्राप्त करना है, जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति करनी है, तो एक ही मूल मंत्र है, सुख दो तो सुख मिलेगा। इसलिए सुख देने के लिए और सेवा करने के सिवाय और कोई माध्यम नहीं है, और ये सबसे अच्छा माध्यम है। मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो अब तक इसमें जुड़े नहीं है वो इसमें जुड़ें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज लोढ़ा साहब से, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है। राज लोढ़ा साहब उदयपुर में निवासी है, बहुत अच्छे समाज सेवी है, 4 साल तक लगातार महावीर इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट पद को सुशोभित कर चुके हैं, और उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत यात्रा की, बहुत लोगों को जोड़ा, बहुत लोगों को महावीर इंटरनेशनल में शामिल किया। और ऐसे राज लोढ़ा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने कुछ शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जैन साहब। 1975 से यह जो यात्रा चली और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में कम से कम 70 नई ब्रांचेस बनी, सब जगह हमने कार्यकाल अपना बढ़ाया और जो भी सेवा के कार्यों को इतने बढ़ाते गए। उदयपुर में हमने हॉस्पिटल के अंदर बड़ा अच्छा काम शुरू किया, जो भी फ्री मेडिसिन, बच्चों की देखभाल, बच्चों के लिए जो भी वस्त्र जरूरत है वो देना शुरू किया।
जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा हो पाया वो थैलेसेमिया प्रोजेक्ट का था। करीब 200 बच्चों का हमने यहाँ जाँच करवाई, उसमें से 8 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो पाया और 8 बच्चे एकदम हेल्दी हो गए। इससे बड़ी कोई हमारी सेवा कार्य नहीं हो सकता था। उसके बाद हमारे कई कार्यक्रम चले, हमने महावीर इंटरनेशनल के थ्रू 3 जगह हमने सब सेंटर बनाए महावीर विकलांग के, राजसमंद में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में, और सब जगह ये सब फ्री सर्विस है। कोई किसी तरह का कोई जो पाँव लगाने आता है उसी दिन उनके पाँव लगा दिए जाते हैं और उनके कैलिपर लगा दिए जाते हैं। इन कोई वेटिंग पीरियड नहीं किसी तरह का, और कोई किसी तरह के करीब करीब हमने 1.5 लाख लोगों का अभी तक फायदा पहुंचाया है, जिसमें कि उनको ट्राइसिकल दी गई है, पाँव लगाए गए हैं, कैलिपर लगाए गए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार एक अमेरिकन आए थे, उन्होंने देखा तो वो खुद अमेरिका से वापस आए हमारे कैंप करने सलूमर में, और वहीं उनको बैठ करके उन्होंने खाना खाया। 7 जने अमेरिका से वापस आए। ये हमारे काम की तारीफ तो क्या कहूँ, लेकिन ये हमारा वर्क था जिनको कि उनको पसंद आया। उस बच्चे को उन्होंने देखा जिनके हमने कैलिपर लगाया था और कान में जो उसको सुनाई नहीं पड़ता था उसके मशीन लगाई, और जो लड़का भागा है तो वो अमेरिकन भी उसके पीछे पीछे भागे और इतने खुश हुए कि बस उसी वक्त उन्होंने कहा कि हम तो अमेरिका से वापस आएंगे, आप हमारा नया कैंप लगाओ। इस तरह से हमने करीब करीब 100 कैंप लगाए अलग अलग जगह पे पूरे राजस्थान के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमारे और सबसे बड़ा काम तो हमारे महावीर भगवान की जो भी है उनके प्रचार प्रसार करें और उनके उनके जो जो वचन है उनको आगे बढ़ाएं, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद लोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं देखिए, ये चूंकि प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पहले अपने जो पास्ट प्रेसिडेंट है उनके अपने उनकी जो भावना है उनका प्रदर्शन हो, सब लोग उनके बारे में जाने, उसके बाद बीच बीच में मैं महावीर इंटरनेशनल के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, डिटेल में दूंगा, उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो नए हैं महावीर इंटरनेशनल में जुड़ रहे हैं और जो मेंबर भी बने हुए हैं लेकिन उनको पूरी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है, वो मैं पूरी बताऊंगा। बीच बीच में ये संस्मरण जो पास्ट प्रेसिडेंट्स के हैं वो चलेंगे ताकि हमें पूरा मार्गदर्शन मिल सके, पूरी हिस्ट्री का भी ज्ञान हो सके, पुराना कि किस किस के कार्यकाल में महावीर इंटरनेशनल ने क्या क्या किया, तो वो हमारा एक अच्छा सा अवलोकन होगा पुराना। मैं इसी कड़ी में विजय भावना जी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन दें। विजय भावना जी हैज बीन इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द महावीर इंटरनेशनल और बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद various big corporate houses as a very big consultant and has contributed a lot in the corporate sector for their upbringing. Unko loss se profit mein convert karna ye unki art thi aur isi ke liye Vijay Bhavna sir jane jate hain. To main Bhavna ji se anurodh karunga ki wo 2 minute apna vaktavya de aur Mahavir International ke bare mein kuch bataye sir aapke sansmaran. Jai Mahavir, everyone Jai Mahavir. मैं अब संस्मरण तो अभी क्या 4 साल पहले की बात है, 4 साल में हमने जो भी काम किए वो सब आपका मेरे ख्याल से 70-80% लोगों को आपको मालूम होगा कि क्या हम कर पाए एज ए टीम ऑफ महावीर इंटरनेशनल। और महावीर इंटरनेशनल ने काफी प्रोग्रेस उस समय करी थी जो मैं मानता हूँ, और वो प्रोग्रेस आज भी चल रही है। एस के जैन साहब ने पूरा उसमें प्रोफेशनली पूरा मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत खुशी है कि महावीर इंटरनेशनल रेगुलर प्रोग्रेस ही कर रहा है, बैकट्रैक नहीं हो रहा है कम से कम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कई बीच बीच में कुछ पीरियड में बैकट्रैक हुआ था और कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो पीरियड हम भूल चुके हैं, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हमको यही देखना है कि महावीर इंटरनेशनल जो हमारी सेवा की एक संस्था है और हम लोग सब खाली एक ही पर्पज के लिए इसमें जुड़े हैं, जो आप सबको मालूम है, हमारा कोई इसमें कोई लेना नहीं है, देना ही देना है, और लेना है तो खाली भगवान से हमारी क्रेडिट मिल रही है कि हमको आगे अगले जन्म में और अगले अपने कर्म सुधार रहे हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं देने के लिए कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के थ्रू पढ़ाई की, एजुकेशन की, बच्चों की और वुमेन एम्पावरमेंट, और हमारी बहुत बड़ी अच्छी टीम यहाँ बैठी हुई है वीराओं की, जिन्होंने बहुत अच्छे बड़े बड़े काम भी किए हैं और वीरा सेंटर्स को काफ़ी स्ट्रेंथ किया है, वीराओं को काफ़ी जोड़ा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये संस्था मेल और जेंट्स ज्यादा टाइम नहीं भी दे पाए कुछ, लेकिन वीराओं ने बहुत अच्छा टाइम दे के इस संस्था को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।
और मुझे बहुत खुशी है कि यूथ भी इसमें काफी अभी जुड़ रहा है, कुछ सालों से, 3-4 साल से, 5 साल से यूथ भी जुड़ने लग गए हैं, यूथ सेंटर्स भी आ रहे हैं और वही फ्यूचर भी है। तो ये मान के चलना चाहिए कि हमारा फ्यूचर यूथ है, यूथ को जोड़ना है और सेवा के कार्यों में उनको भी इन्वॉल्व करना अपने साथ में। हम एजेड लोग जो भी हैं वो करें हैं, कर रहे हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, बट बाकी जो कार टीम करने वाली है वो यंग लोग ही ज़्यादा कर पाएंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाते रहें। मेरी आप सबसे यही एक विनती है और आप नए लोगों को जोड़े हैं। सेंटर ज़्यादा खुलना नहीं खुलना वो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ खुल जाए बहुत अच्छी बात है, पर लोगों को, सही लोगों को जोड़ना जो सेवाभावी लोग हैं और जो इस संस्था को आगे सपोर्ट दे सके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने महावीर के विचारों को, महावीर के प्रिंसिपल्स के पर जो संस्था खुली हुई है जियो जीने दो सेवा के लिए, लव ऑल सर्व ऑल, उसको हम आगे बढ़ाएं, वही हमारा मोटो है। और जैसे कुंभट साहब ने और सबने बताई वो चीज़, और मैं एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी संस्था के एक पास प्रेसिडेंट आज नहीं रहे बट राजेंद्र सिंह जी बापना आप बहुत लोग जानते भी होंगे, उन्होंने इस संस्था को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी और आई एम श्योर काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे और इस संस्था को आगे लाने में। और जैन साहब भी आई एम नो उनसे काफी एसोसिएटेड थे, एस के जैन साहब, पहले वाले एस के जैन साहब भी और आज शांति जी जैन भी उनके साथ काफी एसोसिएट रहे और उन लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काफी काम किए। लातूर में जब एक बहुत बड़ा आपदा आई तब हमारी टीम राजेंद्र सिंह जी बापना की टीम के साथ वहां गई थी, राज लोढ़ा जी और ये सब लोग इन्वॉल्व थे उस केस में। उसके बाद भरूच में जब हुआ, गांधीनगर वगैरह में, वहां पर भी हुई, भरूच के थ्रू काम किया गया था। और जहां जहां भी आपदा आ रही है करते हैं, सब टीम्स कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो आज नहीं है तो मैं उनका जस्ट एक नाम दे रहा हूँ कि भी वो उन्होंने भी संस्था के लिए काफी कुछ काम करके इस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जब तक हम सेवा कर सकें और हम अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं तन मन धन उसमें इन्वॉल्व रहें और लोगों को जोड़ के और इस संस्था को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वही मेरी आप सबसे विनती है और आई एम श्योर एवरीबॉडी इज फॉर दैट एंड विल कंटिन्यू टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद बापनो साहब। देखिए जो पास्ट प्रेसिडेंट थे उनके कुछ शब्दों में सार है महावीर इंटरनेशनल क्या है, कैसे काम करता रहा है, कैसे कैसे स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुंचा है, उनकी बातों को इसलिए बहुत इम्पोर्टेंटली हमें सुनना समझना चाहिए क्योंकि किसी भी संस्था का भविष्य उसके पास्ट के ऊपर निर्भर करता है कि पास्ट कैसे आया है। मैं अब एक बार यहाँ पर कुछ महावीर इंटरनेशनल के बारे में अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ और बाकी महावीर इंटरनेशनल के बारे में भी क्या मैं जनरल बात बता रहा हूँ। जो लोग महावीर इंटरनेशनल से जुड़े नहीं है, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं जो अच्छे इंसान है, एस्टेब्लिश्ड नागरिक है, सुलझे हुए लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्याप्त समृद्धि, विश्वास, पहचान हासिल की है, लेकिन उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात है कि वो जो कुछ उनको मिला या अधिक मिला या वो समझते हैं कि वो ज्यादा है और वो उस तबके को दे सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है, यानी कि लेट अस रिटर्न बैक टू दी सोसाइटी, ये भावना उनके बीच में है। तो ऐसे जो लोग हमारे बीच में आए हैं, मैं उनको एक आश्वासन और एक ऑफर दोनों देना चाहता हूं। आश्वासन ये कि जो उनके मन की इच्छा है वो यहाँ जरूर पूरी हो सकती है। दूसरा मैं ये ऑफर देना चाहता हूँ और उसके ऑफर की गारंटी भी लेना चाहता हूँ कि महावीर इंटरनेशनल में अगर वो आएंगे, जुड़ेंगे, यहाँ पे काम करेंगे तो सही मायनों में उनको अधिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। वो कर पाएंगे जो उन्होंने कभी जीवन में सोचा है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास तन मन धन बुद्धि बल एवरीथिंग इज देयर। वो चाहे समाज को कुछ देना तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति केवल अच्छे माध्यम की तलाश करता रहता है। मैं उनको प्रस्ताव भी दे रहा हूँ और गारंटी भी दे रहा हूँ कि महावीर इंटरनेशनल से अच्छा एक माध्यम ढूंढना मुश्किल है। क्यों, इसके लिए भी मैं बात करना चाहता हूँ कि क्यों मुश्किल है। देखिए ये संस्था कैसी है, ये संस्था है जिसको 47 साल हो गए, 47 साल का जीवन काल, वो भी एक्टिव जीवन काल,
किसी भी संस्था के जीवन काल में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 47 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है कि अनवरत रूप से एक्टिवली जो ऑर्गेनाइजेशन 47 साल तक एक एनजीओ की तरह काम कर पाए और जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तैयार हुई हुई संस्था है, ऐसी जो संस्था है अगर वो 47 साल चल रही है, इसका मतलब कि उसकी नींव बहुत मजबूत है। उसके जो फाउंडर्स थे, जो फाउंडर्स रहे, उन्होंने क्या सोच के साथ इस संस्था को स्थापित किया होगा कि वो आज भी उस स्ट्रक्चर में चल रही है, 47 साल के बाद भी वो काम कर पा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी एक संस्था की बात कर रहे हैं तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा है। यहां पर हम बात करते हैं प्राणी मात्र की सेवा, ऐसा नहीं है कि केवल मानव की सेवा है, प्राणी मात्र की सेवा है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है सर, किसी संस्था का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं दोबारा इस टॉपिक पे अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में बात करूंगा, लेकिन इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव रखने वाली संस्थाएं हिंदुस्तान में या दुनिया में बहुत कम है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इस संस्था की कि देखिए सभी से सबकी सेवा सबको प्यार, लव ऑल सर्व ऑल, जो हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा बात करते हैं, हमारा प्रिंसिपल है, उसी के बेसिस पे हम इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लव ऑल सर्व ऑल के साथ एक और चीज है कि जो भी देना है प्यार से देना है, सत्कार से देना है, तिरस्कार से नहीं। उस लेने वाले व्यक्ति को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई उसको दे रहा है, ये देने वाले व्यक्ति का बड़प्पन है कि वो उस तरीके से दे कि उस लेने वाले व्यक्ति को ये महसूस हो कि ये कोई मेरा अपना है जो प्यार से मुझे कुछ चीज दे रहा है। तो इस तरह की जो भावना है वो है लव ऑल सर्व, यानी कि सर्विस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बहुत है। अगर आप चाहेंगे तो रोटरी है, लॉयंस है, देर आर मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशन विच आर सर्विंग विद कम्युनिटी, बट उनका सर्विंग करने का तरीका और महावीर इंटरनेशनल के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। फिर यहाँ पे कौन व्यक्ति शामिल हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन? देखिए ये संस्था जैन नहीं है, ये संस्था भगवान महावीर के सिद्धांतों से प्रेरित होकर बनाई गई है और उनका सिद्धांत लव ऑल सर्व ऑल इसने पिकअप किया है और इतना ही हमारा धर्म से सरोकार है। इस संस्था का सरोकार अदरवाइज समाज सेवा, मानव सेवा से है। यहाँ पे कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता है? कोई भी जाति, रंग, पंथ और धर्म से बेपरवार, कोई भी अच्छा इंसान जिसका धर्म से कोई सरोकार ही नहीं है, वो महावीर के सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई संस्था का सदस्य बन सकता है और यहाँ पर अपना इसको कर्म क्षेत्र के रूप में इसको चुन सकता है। अब इसको और आगे बढ़ाएं तो अगर हम ये बात भी करते हैं कि आखिर इस समाज सेवा से मिलेगा क्या? हम यहाँ देने के लिए आए हैं, पूरा जो कुछ हमारे पास अधिकतम है वो हम देना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं, इसीलिए ये लोग हमारी संस्था से जुड़ने के लिए तत्पर हैं और यहाँ पर वक्त निकाल करके आए किसी न किसी के बुलाने से, समझाने से। लेकिन हम क्या दे सकते हैं? देखिए उनको क्या क्या मिल सकता है? हम अथाह प्यार दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, पहचान दे सकते हैं, उनको विश्वास दे सकते हैं। फिर हम क्या एक हमारे 10,000 परिवारों का एक समूह है जो महावीर इंटरनेशनल का परिवार है, 10,000 मेंबर्स का पूरे देश भर में फैला हुआ है, वो समान विचारधारा वाले लोगों से एक साथ उनका कनेक्शन करा सकते हैं, यानी कि जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं या नेटवर्किंग कहते हैं या कनेक्टिविटी कहते हैं, व्हाटएवर नेम वी कॉल इट, बट वी कैन डू इट। फिर हम तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज देते हैं उन लोगों को जो हमारे यहाँ महावीर इंटरनेशनल में सदस्य बनते हैं, उनको एक नई पदवी देते हैं साहब। वो नई पदवी क्या है? वीर, या अगर कोई महिला सदस्य बनती है तो उसको वीरा, और उसके स्पाउस को ऑटोमेटिकली वो पदवी मिलती है वीर और वीरा। देखिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब करी तो मुझे बहुत साल लगे पढ़ करके, और फिर मेरे को लगाने के लिए एक पदवी मिली सी अनिल जैन। यहाँ वीर अनिल जैन लिखने के लिए केवल महावीर इंटरनेशनल का सदस्य बनना काफी है, क्योंकि मेरे मन में एक भावना है कि मैं कुछ अच्छा काम करना, समाज के काम करने के लिए आया हूँ, सबकी सेवा सबको प्यार के सिद्धांत के साथ इस संस्था से जुड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये नई पदवी वीर मिलती है। द मोमेंट यू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन यू गेट दिस पदवी वीर और वीरा, विच इज अ रेप्यूटेड लेबल फ्रॉम ऑल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। तो ये एक अच्छी चीज है जो हमारे को मिलती है। फिर हम बात करें कि कुछ ऐसा एहसास होता है काम करने के बाद
कि जीवन में जो कुछ अच्छा किया उसकी संतुष्टि मिलती, कुछ अच्छा कर पाने की संतुष्टि मिलती। क्योंकि जीवन भर आदमी ये सोचता है कि यार मैं अपने लिए कमाता रहा, अपने परिवार के लिए कमाता रहा, काम करता रहा, लेकिन मैंने किया क्या? 40 साल 50 साल 60 साल मैंने किया क्या? अल्टीमेटली कुछ नहीं। तो फिर समाज सेवा का ये काम करके महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ के वो उसको जीवन में कुछ कर पाने की संतुष्टि मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी भी दे रहा हूँ और प्रस्ताव भी रख रहा हूँ। फिर और एक और बात है कि उसको पुण्य का संचय होता है। ये एक हमारी भावना है कि जो कुछ अच्छे काम हम आज करेंगे उसका हमारा पुण्य का संचय होगा, तो अगले जन्मों में काम आएगा। ये पुण्य का संचय भी महावीर इंटरनेशनल आपको करने की एक माध्यम देता है। तो मेरा आप सब लोगों से करवृद्ध प्रार्थना है कि जो लोग महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए नहीं है, जो यहाँ आए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो मैंने अभी आपको थोड़ा कुछ बताया है, बाकी की बात मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं महावीर इंटरनेशनल के बारे में डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूं कि बस आप अपना मानस बना करके दे तो देखो, बस मानस बना करके देखो, बाकी खुशियों का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू सो मच विद द पेशेंट हियरिंग ऑन दिस टॉपिक। इन द मीन टाइम देन आई वुड रिक्वेस्ट, देखिए एक दो लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो महावीर इंटरनेशनल के सदस्य हैं, लेकिन उनके तन मन में हमेशा महावीर इंटरनेशनल बसता है, और या ये मैं कहूं कि उनकी रगों में महावीर इंटरनेशनल खून बनकर के दौड़ता है। ऐसे एक व्यक्ति से मैं आपको रूबरू कराता हूं 2 मिनट के लिए, वीरा सरोज मरोठी। सरोज जी मरोठी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं 2 मिनट के लिए आप अपना वक्तव्य दें। सरोज जी मरोठी, जय जय महावीर। जय महावीर, आवाज आ रही है मैं सभी को? बिल्कुल आ रही है। अभी जिस तरीके से हमें पास्ट प्रेसिडेंट साहब ने MI के बारे में बताया, महावीर इंटरनेशनल के बारे में बताया, और अनिल सर ने भी हमें इतना अच्छी तरीके से जो इसके जो फायदे हैं, एक प्लेटफॉर्म ये ऐसा है जहां हमारा जीवन अगर कहीं निराश हो जाता है या हम किसी ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जहां हमें ये सोचना पड़ता है कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा, हम कहां काम करेंगे या हमारे जीवन में अब क्या होगा। मैं अपनी ही बात करना चाहूँ तो जब 2013 में मैं एक डिफेक्टिव, मतलब मेरा एक ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने मुझे एक डिफेक्टिव पीस घोषित कर दिया था कि अब आप शायद ही कुछ जीवन में कुछ कर पाएंगे, मगर मैं 1 साल तक ऐसे डिप्रेशन में रही, सोचती रही कि कुछ इतना सोशल जीवन जिया पिछले 21 सालों से, 2013 तक की बात कर रही हूँ, मैं सोशल थी, अचानक मेरी लाइफ में एक ब्रेक लगा और उस ब्रेक लगने के बाद जैसे ही मैंने 2013 में महावीर इंटरनेशनल नौका से शांतिलाल जी कंवर साहब, उस समय तत्कालीन हमारे अध्यक्ष साहब थे और पुष्पराज छल्लानी साहब हमारे जोन चेयरमैन थे, उस समय मैंने महावीर इंटरनेशनल को ज्वाइन किया, तब ऐसा लगा कि नहीं, हाँ नहीं यार, कुछ तो है इसमें जो हम कर सकते हैं, और महावीर इंटरनेशनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें एक नया जीवन दान मिल सकता है, हम अपनी पूरी आशाओं को अपने सपनों को साकार करने का एक प्लेटफॉर्म है तो महावीर इंटरनेशनल है। क्योंकि आज मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं जब इसमें जुड़ी साधारण सदस्य के रूप में, जहां मुझे एक वीरा सरोज मरोठी का नाम दिया गया, अनिल सर हमेशा कहते हैं पद कोई भी मिलो वो हमें हमेशा के लिए रहता है, चाहे हम पद पर है या नहीं है वो हमारा एक एसेट बन जाता है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, आज हमारे बीकानेर जोन से लगभग 42 लोग अनिल सर इसमें जुड़े हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई पदाधिकारी हैं, कई सरकारी ऐसे गवर्नमेंट में भी हैं, वैसे लोग भी जुड़े हैं, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा तो इस बात को समझने के बाद महावीर इंटरनेशनल को स्वीकार नहीं ना करने की शायद उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है जिंदगी का अगर सही मजा लेना है, और जहां अगर जिंदगी हमारी बेरंग हो जाती है उसमें अगर हमें सपनों की उड़ान, सपनों के रंग भरना है तो महावीर इंटरनेशनल में चले आओ, आपका जीवन एकदम रंगों से, खुशियों से भर उठेगा, महक उठेगा, जहाँ हर प्राणी मात्र की सेवा की जाती है, मानवता की ही नहीं प्राणी मात्र की सेवा करना, सेवा ही महावीर इंटरनेशनल का एक पर्याय है, जहाँ एक आत्म संतुष्टि मिलती है, जैसे
एक दवाई का एक एड आता है कि जब पेट हो सफा तब रोग हो दफा। तो महावीर इंटरनेशनल में आ जाओ, आपके जीवन में कोई नजर निराशा नहीं रहेगी, कोई भी आपका सपना बाकी नहीं रहेगा। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, जितने भी लोग आज लगभग 280 के पास हमारे इसमें आज सदस्य जुड़े हुए, मेरा यही करबद्ध अनुरोध है कि महावीर इंटरनेशनल जिसमें कोई जाति नहीं, कोई पांति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सेवा का मात्र एकमात्र लक्ष्य सेवा का है, उसमें जुड़िए और जिंदगी का ऐसा आनंद पाएंगे कि आप खुद बोलेंगे कि एक एक की खून में हमारे दिलों में ये अगर हम छाती चीर के भी दिखाए ना, हनुमान जी ने जैसे छाती चीर तो राम लक्ष्मण सीता है, और अगर सरोज मराठी की छाती चीर को देखोगे तो MI महावीर इंटरनेशनल अपेक्ष नजर आएगा। इतना ही दावे के साथ कह सकती हूँ, आइए बंधुओं जुड़ जाइए और शुरू हो जाइए एक नया जीवन, एक नई रोशनी और जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद मरोटी जी। अब देखिए हमारे बीच में नूतन अनिल ओसवाल फ्रॉम नवी मुंबई वो जुड़ी है, जो हमारे फाउंडर सेक्रेटरी थे, वो भी उनकी बिटिया है, बड़ी बिटिया, वो वहां पर सॉरी छोटी बिटिया है, वो मुंबई से जुड़ी है, मैं उनको वेलकम करता हूँ। इसी बीच में हमारे पास जो सत्यपाल जैन साहब है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ एंड दी एडिशनल एडवोकेट जनरल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट दो मिनट वो अपना वक्तव्य दे। सत्यपाल जी जैन साहब, मैं बहुत आभारी हूं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का, विशेष तौर पर श्री रविंदर जैन जी और श्रीमती उषा जैन जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौका दिया, शुभ अवसर प्रदान किया, उन्होंने इसकी जानकारी दी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मेरी 8 बजे यूनिवर्सिटी में एक और बैठक है और 10 मिनट यहाँ से जाने में लगेंगे और मैं आमतौर पर समय पर जाता हूँ तो मैं 7:50 के करीब निकल जाऊँगा। सारी बातें जो कही गई हैं बहुत ही सुंदर बातें हैं, बहुत ही प्रशंसनीय हैं, और जो जैन धर्म की मान्यताएं हैं, जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप है। अपने पर आवश्यकता से अधिक चीज ना रखना, दूसरे की मदद करना और मदद करके मन में अहंकार ना आने देना, और ये महसूस मत करना कि शायद मैं ना देता तो इसको रोटी नहीं मिलती थी, मैं ना देता तो इसको कपड़े नहीं मिलते थे, मैंने कोई बहुत बड़ी चीज की है, वो भावना मन में ना आने देना। ये बहुत ही महानता का, बहुत ही बड़प्पन का सूचक है। और वास्तव में भारत से जुड़े हुए जितने भी धर्म हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, वो सब अपने अपने ढंग से इस काम में लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से महावीर इंटरनेशनल या जैन समाज के साथ जुड़े बाकी संस्थाएं ये काम कर रही हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं और अभी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके विचार सुने हैं, कुछ आदरणीय महिलाओं ने अपनी बात कही है। मैं समझता हूं कि अभी तक, क्योंकि मैं इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया, सुनता रहा हूं, लेकिन कभी सक्रियता से भाग लेने का, कोई बैठक को उपस्थित होने का मौका मुझे नहीं मिला। मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में बेसिकली मैं रहता हूँ, यहीं से ऑपरेट करता हूँ, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी के काम से, जहाँ भी जाना होता है लीगल काम से मैं जाता आता रहता हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान लूंगा, आप यहाँ के लोग भी जो चंडीगढ़ पंचकूला में देख रहे हैं, इसी दिन हम बैठ के आपस में इसकी चर्चा कर सकते हैं और जो भी मेरे लायक जो भी होगा इसमें किया जाए। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, 3-4 चीजों की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम लोग संपन्न परिवारों से हैं, अभी कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी है। अगर दिन में दिहाड़ी ना मिले तो शाम को घर में दाल चावल नहीं होता है, अगर कोई ना दे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके हम उसके लिए काम करें। चंडीगढ़ में हमने एक स्कीम शुरू करवाई थी 10 रुपए में सस्ता खाना, और वो अब देते हैं लोग, दान भी देते हैं, पर मैंने उदाहरण दी है, ऐसी स्कीमें बनाकर जहां लोगों की बाकी सहायता करें, किसी की टांग नहीं है उसकी टांग लगा रहे हैं, किसी को खून दे रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये जो जीवन की एक बेसिक फैसिलिटी है, बेसिक आवश्यकता है, जिसके बिना आदमी 2-3 दिन भी गुजारा नहीं कर सकता है, उसकी तरफ भी ध्यान देकर हम काम करें। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे आप सबके महानुभावों के दर्शन करने का, इस सारी स्थिति को समझने का, उत्साहित होने का और शुभ अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।
आप हमारे मेंबर बने, आप, मैं इसके जैन बोल रहा हूँ, पहचान गए ना? मैं पहचान रहा हूँ जैन साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जानता हूँ, देहरादून में उन्होंने लैंड किया था, तो पहले जहाज से आप उतरे थे, मैं उस समय प्रभारी था भाजपा का उत्तराखंड का, चंडीगढ़ में आप एसएसपी थे, सारा मेरे याद। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और विल बी टू ग्लैड एंड प्रिविलेज टू हैव यू एज आवर मेंबर। मेरे को एयरपोर्ट पर खड़े होकर देखकर अटल जी ने आपसे पूछा था कि हम देहरादून में उतरे हैं कि चंडीगढ़ में उतरे हैं, तो हमने कहा कि नहीं, जैन साहब यहाँ के प्रभारी हैं, हम देहरादून में ही उतरे। वेलकम सर, थैंक यू सर, ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, ऑलवेज। मैं अब इससे आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूँ। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अगर हमारे बीच में है, आए हुए क्या? सो मैंने, मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब, शांतिलाल जी कवाड़ साहब, धीरज जी कोठारी साहब, पुष्प जैन साहब, प्रकाश जी, अगर कभी आपको पता लगे, देखें तो फिर मुझे बताइएगा, जब तक मैं आगे चलता हूँ। देखिए फिर अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि महावीर इंटरनेशनल क्या है। समाज सेवा के क्षेत्र में महावीर इंटरनेशनल एक ब्रांड है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। हमें हर कोई व्यक्ति ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहता है, जुड़ना चाहता है। महावीर इंटरनेशनल एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड ब्रांड ऑफ द कंट्री इन द सोशल सर्विस सेक्टर। जैसे अगर हम कहें कि राजस्थान, हिंदुस्तान का एक ब्रांड है टाटा, जिसके बारे में बात की जाती है, चाहे उससे बड़े बड़े कई ब्रांड अब तक आ गए होंगे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के, लेकिन फिर भी टाटा का नाम टाटा है क्योंकि ट्रस्टेड है, उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। ऐसा ही महावीर इंटरनेशनल के साथ है। महावीर इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी, इसका विश्वास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बात ये बताने की। दूसरा बात, मैंने जैसे अभी पहले शुरू किया था कि महावीर इंटरनेशनल का जो उद्देश्य काम करने का, ऐसा उद्देश्य हिंदुस्तान की किसी भी संस्था के पास नहीं, इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। जितना मैंने संस्थाओं को समझा है, जितना मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को जाना है, वेरियस ट्रस्ट एंड सोसाइटीज के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, मैंने अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं देखी जिस संस्था का उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा हो। प्राणी मात्र का मतलब क्या हुआ? मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, वायु, पानी, सब कुछ, जिसमें भी प्राण है उसकी सेवा। इसलिए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसी तरीके से महावीर इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट चलते हैं। इतना बड़ा स्कोप ऑफ वर्क किसी भी एनजीओ का हो ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, कोई ऐसा एनजीओ हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी में हिंदुस्तान का कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जो इन सारे क्षेत्रों में ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता हो। फिर मैं बात करता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की एक और खास बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई व्यक्ति जुड़ता है, जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पर मेंबर की तरह जुड़ता है, वो कुछ यहाँ देने के लिए है, उसको कुछ चाहिए नहीं। यहां तक कि इस संस्था में कभी कोई रिइंबर्समेंट का सिस्टम नहीं है। मुझे अभी तक इतना काम करते हुए इतने साल हो गए, मैंने कोई संस्था ऐसी नहीं देखी है जिसमें कोई रिइंबर्समेंट ना लेते हो, यानी कि कोई खर्चा करता है किसी भी चीज पर, चाहे वो ट्रेवल पर, स्टे पर, जाने पर, आने पर, काम करने पर, कोई भी खर्चा करता है वो सब अपनी जेब से करता है। यानी कि उसकी भावना है कि जो कुछ मेरा लग जाए समाज की सेवा में वो मेरा चला गया, वो कहीं पे इन्वेस्ट हो गया, वो कहीं पे अच्छे काम में लग गया, इसलिए इसको वापस लेने की जरूरत नहीं है। और रिइंबर्समेंट का सिस्टम पूरे 47 साल से है नहीं। कोई इस संस्था में जो भी पदाधिकारी जब कभी भी रहे हैं, आज भी है, सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी जेब से काम करते हैं। ये ऐसी संस्था एक अद्भुत संस्था ही हो सकती है, क्योंकि ऐसी संस्थाएं है ही नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है बिल्कुल नहीं है, जो संस्था के लोग संस्था के कुछ भी खर्चा करें और फिर वापस ना ले, रिइंबर्समेंट ना ले, ऐसी संस्था है। महावीर इंटरनेशनल उनमें से एक है, ये बहुत बड़ी संस्था है। इसका ऑफिस है जयपुर में, अपेक्स ऑफिस, जयपुर में अपेक्स ऑफिस है, इंडिपेंडेंट ऑफिस की तरह काम करता है।
इसकी जो वेबसाइट है, फेसबुक है, जितना भी सोशल मीडिया है, उसमें सब जगह इसकी प्रेजेंस है। हर किसी ने किसी दिन, हर दिन कम से कम एवरेज एक अखबार में महावीर इंटरनेशनल प्रेजेंट रहता है किसी न किसी काम को लेके। 47 वर्षों का लंबा समाज सेवा का अनुभव है। इस संस्था के पास वो सब क्रेडेंशियल्स है जिसकी हम बात करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, FCRA का हो, सोशल सर्विस का हो, CSR का हो, किसी नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन हो, या किसी का अवार्ड हो, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ क्रेडेंशियल किसी के पास हो सकते हैं वो हमारे पास है। ये गर्व की बात है, महावीर इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है। देश के 150 शहरों और कस्बों में 340 सेंटर हैं, इसमें से 300 सेंटर बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क किसी और संस्था का कम ही मिलेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ जो लोग हैं जो समाज सेवा में जुटे हैं, वो खुद काम करते हैं, खुद अपना टाइम देते हैं, खुद पैसा देते हैं, खुद अपना दिमाग लगाते हैं, कोई एम्प्लॉइज रखने का सिस्टम ज्यादा नहीं है। इसमें 10,000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से 10,000 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। पूरे देश को 10 रीजन में बांटा हुआ है, महावीर इंटरनेशनल के 10 रीजन है, उसमें पूरे देश को बांटा हुआ है। 30 जोन है, हर रीजन का एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, हर रीजन का एक वाइस जो सेक्रेटरी होता है, रीजन सेक्रेटरी, हर जोन का एक जोन चेयरमैन होता है, जोन चेयरमैन के साथ एक सेक्रेटरी होता है। यानी कि ये पूरी एक स्ट्रक्चरल बॉडी है जो बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से काम करती है इसमें। उसके अलावा गवर्निंग काउंसिल और जनरल काउंसिल है, जहां पे जितने भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो गवर्निंग काउंसिल और जनरल काउंसिल में होते हैं। हर सेवा के काम के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। इस तरह के हमारे पास 15 सेवा के प्रोजेक्ट है जो महावीर इंटरनेशनल चलाता है। अब आप देखिए कि जो हर प्रोजेक्ट है वो पूरे देश भर में चलता है। वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इस तरह के हमारे, या ग्रीन इंडिया है, ऐसे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है उनका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी पूरी काउंसिल रखता है पूरे हिंदुस्तान में, और उसके हिसाब से हर केंद्र पे वो काम पहुंचता है, वो काम किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है, और इस तरह से वो काम चलता है। इस संस्था के लोग अगर समझे कि कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं या है अभी, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है, प्रोफेशनल भी है। प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, आर्किटेक्ट भी है, सब तरह के प्रोफेशनल इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन भी, बिजनेस टाइकून से लेकर छोटे ट्रेडर्स तक सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि हमारी जो मेंबरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बहुत ही डिटेल्ड में अंदर तक गया हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक का बिजनेसमैन, टॉप लेवल तक का बिजनेसमैन, 500 करोड़ रुपए की जिसकी टर्नओवर हो ऐसा बिजनेसमैन, और 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो ऐसा बिजनेसमैन, सब तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स है वो जुड़े हुए हैं, IAS है, IPS है, सब तरह के जजेज है, इस तरह के सब तरह के ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं यहाँ पर, पॉलिटिशियन मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर, काउंसलर, इस तरह के सब लोग रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट है, सर्विसमैन है, इस तरह के सब लोग यहाँ पर हमारे यहाँ काम करते हैं, यानी कि सदस्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें एक और खास बात है कि इतने सारे प्रोजेक्ट है हमारे कि कई शहरों में हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, डिस्पेंसरी चल रही है, फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहे हैं, लेबोरेटरीज चल रही हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं, कृत्रिम अंगदान के केंद्र चल रहे हैं, प्रत्यारोपण केंद्र चल रहे हैं, भोजनशालाएं हैं, उज्जैन में जैसे भोजनशाला है, ऐसे अलग अलग जगह पे भोजनशालाएं चल रही, कई सारी एम्बुलेंसेज चलती है, शव के वाहन चलते हैं, कई सारे केंद्र हमारे शव वाहन चलाते हैं। यानी कि समाज सेवा का अलग अलग एरिया हमने पकड़ा हुआ है। शव के वाहन चलाते हैं, प्याऊ है, गौशालाएं हैं, फीडिंग बूथ है, यहाँ तक कि रद्दी कलेक्शन के सेंटर्स है। देखिए, रद्दी कलेक्शन का मतलब वेस्ट टू सर्विस,
वेस्ट टू सर्विस का मतलब हो गया कि रद्दी से पैसा जनरेट करके फिर सेवा का काम करना है। ऐसा भी हमारा औरंगाबाद सेंटर है, ऐसे और भी सेंटर है जो ये काम कर रहे हैं। फिर हम अगर बात करें तो वृद्धाश्रम सिलाई के केंद्र है, किसी को पूरी जानकारी नहीं होगी लेकिन इतने सब महावीर इंटरनेशनल के अंडर में सब चीजें काम कर रही है। शिक्षा के केंद्र है, बिल्डिंगे हैं, ऑफिस है। हमारा चित्तौड़ का अगर हॉस्पिटल कोई देखेगा तो देखने लायक हॉस्पिटल है। दिल्ली में तीन तीन चार चार अस्पताल है। इतनी सब वर्किंग है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन यस एक बहुत बड़ा काम है जो इसमें हम करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी और बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन धीरे धीरे रुक रुक के बताऊंगा। जब तक हम बात करते हैं, अभी तक मैंने बताया कि महावीर इंटरनेशनल एक संपूर्ण संस्था है जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 47 सालों से जो स्ट्रक्चर अपना मजबूती के साथ खड़ा हो, एक्टिवली काम कर रहा हो, इसका मतलब उसकी नींव बहुत अच्छी है। और इसके साथ मैं अभी यहाँ विराम लेता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शांतिलाल जी कवाड़ साहब से, जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। शांतिलाल जी कवाड़ साहब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। शांतिलाल जी कवाड़ साहब जीतो के चेयरमैन रहे, महावीर इंटरनेशनल के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रहे और अभी भी तन मन धन से हमेशा शांतिलाल जी कवाड़ साहब महावीर इंटरनेशनल संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उनके कार्यकाल में महावीर इंटरनेशनल ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है। वो जब बोलते हैं और जब वो लोगों से बात करते हैं तो लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसे प्रिय हमारे शांतिलाल जी कवाड़ साहब इंटरनेशनल पास्ट प्रेसिडेंट, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और कुछ शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करें। शांतिलाल जी कवाड़ साहब, यस सर। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी बंधुओं को जय महावीर। मैं पहले तो समा चाहूंगा अगर करी मेरे बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे हूँ मैं। अगर कोई घोषणा होगी तो शायद संभवतः आपको आवाज उसमें सुनाई नहीं देगी, लेकिन अति संक्षिप्त में बात मैं करना चाहूंगा क्योंकि बोर्डिंग का समय चल रहा है। बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति अध्यात्म और मूल्यों से प्रोषित महावीर इंटरनेशनल एक अद्भुत संस्था है। मुझे तो गौरव है कि मुझे परमात्मा ने इस संस्था में काम करने का मौका मिला और सुशुद्ध समाज सेवियों के बीच समाज के सुख और दुख को बांटने का मौका मिला। मैं मेरे युवावस्था में या कॉलेज अवस्था में हमेशा सामाजिक रूप से सक्रिय रहा, कई आंदोलनों में भाग लिया जो कि सात्विक आंदोलन थे, नवनिर्माण के आंदोलन थे, और उसके बाद लॉयंस क्लब में, रोटरी क्लब में और जयसीज में अन्य कई संस्थाओं में काम लेने को मौका मिला। लेकिन उन संस्थाओं में सभी में काम करते 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 चूंकि मैं कुछ राष्ट्रवादी संस्थाओं में भी मैंने मुझे एक्टिवली मेरे जीवन को जैसे पुष्पित और पल्लवित करने का मौका मुझे मिला उन संस्थाओं के अंदर, मुझे ये समझ में आ रहा था कि भारतीय अध्यात्म मूल्य जो इतने परिपूर्ण है, इतने शुद्ध है, इतनी महान परंपराएं हैं, इतने जबरदस्त सेवा के भाव है, उसके बाद में भी कहीं विदेशी संस्थाओं के अंदर जाकर के हम राष्ट्र की सेवा करें, ये मेरे मन को कछोड़ता था। उस समय मुझे बड़ी संस्थाओं में पदाधिकारी रहने के बावजूद भी मन में एक व्यथा, कष्ट और पीड़ा थी कि मैं कोई ऐसी संस्था खोजूं जहां मेरे जीवन का समर्पण करूं या बड़ा तन मन धन से लग करके अपने मन को संतुष्ट करते हुए सेवा कर सकूं। तो मुझे महावीर इंटरनेशनल के रूप में वो संस्था प्राप्त हुई और उस संस्था के अंतर्गत मैं ये मान के चलता हूँ बंधुओं कि जो हिंदुस्तान की महान संस्कृति के जो अवशेष है, नरसिंह नारायण की शिवा, वसुदेव कुटुंबम, परस्पर राजीवनाम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबको प्यार, सबकी सेवा, इस तरह के जो पवित्र अनमोल बातें हैं, इसके अलावा इस देश में सेवा के कार्यों की कमी नहीं, सेवा के महान अवतारों की कमी नहीं। लोक कल्याण का जिस समय मौका आया, महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां तक सहर्ष खुशी खुशी दान कर दी अगर वो लोक कल्याण को समर्पित है। अब ऐसे भारत देश को सेवा के कार्यों के लिए किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हम अपनी इस महान संस्कृति के उद्देश्यों को लेकर राष्ट्र में एक अद्भुत संगठन को बड़ा रूप दें और विश्व कल्याण के लिए भी इस संगठन को पूरे विश्व में फैलाएं। आज भारतवर्ष कई क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है
और कई क्षेत्रों में उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं तेज गति से दिखाई भी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलते हैं बंधुओं के ये परिपूर्ण संस्था है, जैसा कि अभी अनिल जी बता रहे थे, सारी चीजों को विस्तार से समझा रहे थे। ये विस्तार भी मेरे ख्याल से अपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक वेबिनार में कितना कुछ अनिल जी बता पाएंगे या हम लोग बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये शुद्ध समाज सेवियों की अद्भुत संस्था है। इसमें काम करते हुए कोई भी व्यक्ति अगर उसे एक रुपया दान मिलता है तो अपना 10 पैसा जोड़ता है, या 1 रुपये को 1 रुपया और जोड़ता है, या उसमें 10 रुपया जोड़ता है, 1 से 11 करते हुए वो सेवा के काम में समर्पण करता है। और ये हमने देख लिया है बंधुओं, भारतवर्ष के मूल में या हमारे यहाँ के लोगों के अंदर हमारी संस्कृति द्वारा पोषित तत्वों के कारण एक अद्भुत समाज सेवा का भाव है। ये कोरोना में साबित हो गया। पूरा विश्व कोरोना से जिस प्रकार से संकट से सरकारें गुजरी और हमारे यहाँ लाखों लोग अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए, और इसमें महावीर इंटरनेशनल भी एक अग्रणी नाम है, करोड़ों रुपए का 25 करोड़ के आसपास का कार्य, लाखों लोगों की हमने भी सेवा की और भी कई संस्थाओं ने की। तो हमारे मूल के अंदर जिस प्रकार के संस्कार और सेवा के भाव है, हमें किसी विदेशी संस्कारों से सेवा के रूप में पोषित होने की आवश्यकता नहीं है। वो संस्थाएं भी अच्छा काम करें ये अलग बात है, लेकिन हमें अपने मूल्यों के आधार पे विश्व में एक आदर्श संस्था के रूप में इसे बहुत जल्द से जल्द फैलाना है। राष्ट्र के हर घर में ये संदेश पहुंचे कि सेवा का कार्य करना है तो कंप्लीट परिपूर्ण और शुद्ध सेवा अगर देने का भाव है तो निश्चित रूप से महावीर इंटरनेशनल को अपनाएं। मैं अत्यंत विनम्र भाव से, मेरी आज इस मजबूरी को कि मैं यहाँ ज्यादा शब्द रख भी नहीं पाऊंगा आपके समक्ष, बोर्डिंग मेरा चालू है, लेकिन मैं ये विनम्रता से कहना चाहूंगा, इस संस्था का सदस्य होने का मुझे गौरव है। परमात्मा को मैं धन्यवाद या आभार देना चाहिए या ओब्लाइज हूँ कि उन्होंने मुझे इस संस्था में सेवा करने का मौका दिया, और आगे भी इस संस्था के लिए तन मन धन से जुड़ने का महान संकल्प मेरे मन में आज भी जीवंत है। और मैं आपसे भी अनुरोध, पुरजोर शब्दों में ये अनुरोध करूंगा कि सेवा के माध्यम के लिए, और जीवन में कण है तो कण देना चाहिए, मन है तो मन देना चाहिए, और कण और मन नहीं है तभी पेड़ लगा करके लोगों के फूट सुल्टाने में किसी न किसी रूप में सेवा के समर्पण रूप में अर्पण करना चाहिए। और ये संस्था आदर्श संस्था है, आइए हम सब लोग इसे जुड़े, इसे मजबूत बनाएं, इनके सपनों को साकार करें और इस राष्ट्र की एक अद्भुत क्षमता के निर्माण में हम अपना योगदान भी दें। जय महावीर। थैंक यू शांतिलाल जी कबाड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। अब मैं इस क्रम में आगे बढ़ता हुआ एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं रश्मि जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रश्मि जी सारस्वत, कि वो अपना एक्सपीरियंस महावीर इंटरनेशनल के साथ बताएं। रश्मि जी। जय महावीर सर, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर्वप्रथम तो मैं साधुवाद और जय महावीर करना चाहूंगी अपने सभी सदस्यों का, सीनियर मेंबर्स का, और इस 47 वर्ष कि जो समृद्ध संस्था है इसमें जो आज नए मेहमान जुड़ रहे हैं, नए परिवार का विस्तार हो रहा है, उन सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि मैं इतनी एक महान संस्था की सदस्य हूँ। आज मैं सबकी बातें सुन रही हूँ तो अपने उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं महावीर इंटरनेशनल में जुड़ी थी। तो सन 2006 में जब मेरी पढ़ाई मेडिकल की पूरी हुई तो हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि वो नौकरी करे, कुछ प्रोफेशनली अपने को ग्रोथ करे। तो ऐसी सोच के साथ मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं पेशेंट्स देखूं, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरा प्रोफेशन ये है कि मैं पेशेंट देखूं। तो कुछ मेरे किस्मत अच्छी थी या कहे कि मेरे कुछ पॉजिटिव स्टार्स थे, मैं महावीर इंटरनेशनल से एज ए डॉक्टर जुड़ी 2005 और 6 में। और इस संस्था का एक मैग्नेटिक फोर्स इतना बढ़िया रहा कि मैं आज तक सिर्फ यही एक संस्था है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। और इस संस्था ने मुझे एक अपनी एक सोच बनाने का, नजरिया देखने का और जीवन को सार्थक बनाने का अवसर दिया है। मैं आज इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की। इस संस्था ने मुझे महिलाओं और बच्चों के लिए जितनी भी लाभकारी योजनाएं हम बना रहे हैं इसमें लाखों की संख्या में महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे सर ने भी बताया कि हम ब्रेस्ट फीडिंग बूथ्स बनाते हैं पब्लिक प्लेस पे अवेयरनेस के लिए, वात्सल्य के रूप में।
सैनिटरी नैपकिन मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन के लिए हमारा एक गरिमा प्रोजेक्ट है जिसमें हम अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं, झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, और सैनिटरी नैपकिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाएं जो निम्न आय वर्ग की हैं उनके लिए हम यशोदा परियोजना के माध्यम से पोषण दे रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स चला रहे हैं। वहीं उनके जो नवजात शिशु हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और पहले दिन उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम न्यूबॉर्न बेबीज को बेबी किट फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इतने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट जहां मानव जीवन के हर क्रम को, जन्म से लेके वृद्ध लोगों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो इस कितनी खुशी हमें मिलती है, इसका मैं आपको एक ये ब्यौरा देना चाहती हूँ कि मैं इतने सालों से इसी संस्था में जुड़ी हुई हूँ क्योंकि इसने मुझे एक सार्थकता दी। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, स्किल डेवलपमेंट के, स्वावलंबन जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें टेलरिंग, ब्यूटी और मेहंदी और कई व्यवसायिक कोर्स जो वहाँ की जरूरत है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो मैं ये तो श्योर होके कह सकती हूँ कि आपकी हॉबी और आपका जो पैशन है उसके लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिल सकता। मैं एज ए डॉक्टर हूँ और मेरी हॉबी है कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ, तो मुझे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म महावीर इंटरनेशनल ने दिया है और ये गारंटी है कि आप कभी यहाँ रिटायर नहीं होंगे। 365 days 24/7 आपको बहुत काम करने को मिलेगा, आपका हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे, ये श्योर श्योर है। और सबसे अच्छी बात एक मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो पॉजिटिव लोग हैं, एक सोशल कनेक्ट भी बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। हमारे जैसे सबने कहा कि मेंबर्स बहुत पोटेंशियल हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स से, अच्छे गार्जियन से, अच्छे लोगों से घिरे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम यहाँ दे तो रहे हैं लेकिन इसके बदले में हमें प्यार मिल रहा है, अपनत्व मिल रहा है और एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हमें भी कभी समाज में, कहीं पारिवारिक लोग हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई आवश्यकता आ ही जाती है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े अधिकार से अपने सदस्यों से बात करते हैं और हमें उसका सॉल्यूशन इतना जल्दी मिलता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी अगर अनिल सर परमिशन दे। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझसे मेडिकली भी लोग एडवाइस लेते हैं, कोई समस्या कहीं अटक जाती है तो भी एडवाइस ले लेते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हुआ तो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम ये ना सोचे कि यहाँ पे सिर्फ समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, हमारा सोशल कनेक्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे एक मेंबर के फादर 78 इयर्स के हैं, उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम हुई जिसके लिए उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लेनी थी। और बात ऐसी थी कि उन डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी 2-3 महीने से पहले किसी को नहीं मिलता। सडनली मेरे पास उनका फोन आया और मैंने चेन्नई में हमारे एक मेंबर हैं उनसे बात की कि सर ऐसे ऐसे इमरजेंसी है और अगर उनकी बात हो जाए तो उनका चेन्नई अगर आना है तो वो प्लान कर लें। आप सोचिए जिस डॉक्टर का 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलता और मुझे 2 घंटे बाद पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन डॉक्टर साहब ने उनके पेशेंट और अटेंडेंस से बात की और उनको एडवाइस करा और उनका प्लान शेड्यूल हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा परिवार कितना समृद्ध है और आप इतने अच्छे परिवार से जुड़ने वाले हैं, तो मैं आप सबका वेलकम भी करती हूँ और प्रेसिडेंट सर का और अनिल जैन साहब का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज की बहुत ही अच्छी वेबिनार आपने आयोजित की। थैंक यू सर। थैंक यू रश्मि जी। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अगले 15 मिनट में हम इसको वेबिनार को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। सो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा राजकुमार जी औरंगाबाद से। राजकुमार जी साहब, हेलो, आवाज आ रही सर? देखिए राजकुमार जी बाकी थोड़े दिन पहले यानी कि थोड़े साल पहले औरंगाबाद में गए और औरंगाबाद में एक विशिष्ट पहचान कायम की छोटे से समय। महावीर इंटरनेशनल और राजकुमार जी भाटिया साहब का क्या संबंध है वो खुद अपने शब्दों में बताएंगे। राजकुमार जी सर प्लीज। सर जय महावीर और सभी को जय महावीर। मैं श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ।
और गंगानगर में मैं 1987 में महावीर इंटरनेशनल ज्वाइन किया था, जब मदन लाल जी कोचर अध्यक्ष हुआ करते थे महावीर इंटरनेशनल श्री गंगानगर में। तो वहां से मैं चलते चलते दिल्ली आया, दिल्ली 15 साल रहा, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, ये मेरा दुर्भाग्य है। दिल्ली में मैं कोई भी महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ नहीं रह पाया, और 2008 के अंदर मेरा औरंगाबाद आना हुआ। 2008 में औरंगाबाद आने के बाद में, अच्छा नील जी मैं महावीर इंटरनेशनल के बारे में क्या बताऊं, मेरे इतने जो जिन्होंने जो इस वटवृक्ष को सींचा है, जो अभी इतना बता करके गए हैं, मेरे पास तो एक छोटा सा अनुभव है। मैं यहाँ आने के बाद में 2010 के अंदर महावीर इंटरनेशनल मेट्रो सिटी की स्थापना हुई, तो मैं एक फाउंडर सेक्रेटरी के रूप में महावीर इंटरनेशनल में मुझे काम करने का मौका मिला। महावीर इंटरनेशनल जिस संस्था का नाम महावीर से जुड़ा हुआ हो, वो क्या दे सकती है और क्या कर सकती है, ये विचार करने योग्य विषय नहीं है। आज आपने महावीर इंटरनेशनल का जब ये टॉपिक सामने ला करके ये वर्चुअल मीटिंग मीटिंग का आयोजन किया, तो मेरे मन में एक यही सवाल आया कि अपने अंदर महावीर को खोजना होगा। अगर आज भी अगर महावीर इंटरनेशनल को हम लोग नहीं समझ पाए या लोगों को नहीं समझा पाए, मैं यहाँ आने के बाद में अनिल जी हमने ये जब संस्था 2010 के अंदर 5 अप्रैल को जो स्थापित हुई यहाँ पे महावीर इंटरनेशनल मेट्रो सिटी के रूप में, तो हमारे सामने एक साल हमने काम किया। मैं बाहर से आया था, मेरे को स्टेब्लिश होना था, पैसे नहीं थे, लोग हम एक जुनून था कि महावीर इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत पुराने समय से महावीर इंटरनेशनल 5 साल में गंगानगर में जुड़ के रह चुका था, वृद्धाश्रम भी बना वहां पे, तो एक था कि कुछ करना है। और संस्था के बारे में तो सोचने की आवश्यकता नहीं थी, ना किसी को बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे अंदर सोशल में सदैव रहा, और एक ऐसी संस्था के अंदर सोशलिज्म किया हो तो आपको पता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या, वो व्यक्तित्व तो क्या बन सकता है। तो ये मैं अपने आप को प्रस्तुत करने में भी मेरे को टाइम नहीं लगा। उसके बाद के अंदर मैंने 2010 से लेकर के 2011 तक हम लोगों ने थोड़े थोड़े कार्य किए, लेकिन समस्या क्या थी कि पैसा जो है वो प्रधान है, आपको ये पता है पैसा प्रधान है, और पैसे के बिना कार्य नहीं हो सकता। तो सूरतगढ़ के अंदर संजय कुमार बैद जो है वो रद्दी इकट्ठा करने का एक महावीर इंटरनेशनल के थ्रू ही कार्य करते रहे हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप जो है हम लोगों ने यहाँ औरंगाबाद में, मैंने एक विचार किया, मैंने कहा हम लोग अगर पैसा जनरेट होना शुरू हो जाए तो शायद हमारे इस केंद्र को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मैं घर बैठे बैठे चिंतन किया और एक ठेला खरीद के लाया 4,200 रुपये में। 4,200 रुपये में मैं ठेला खरीद के लाया और कारीगर को बुलाया, खाती को बुला करके उसको सुसज्जित किया, कलश लगाए, एक बीच में झंडा लगाया, और उसका इनोग्रेशन हमारे यहाँ के सबसे बड़े बिल्डर रवि खीवसरा जी है औरंगाबाद के अंदर, जो महावीर इंटरनेशनल मेन के चेयरमैन भी थे उस टाइम में, उनसे हमने इनोग्रेशन कराया और मेरे घर से रद्दी इकट्ठा करनी उस ठेले से शुरू करी। मेरे को ऐसा एक लग रहा था कि ये जो काम है ये एक तो हम लोगों को धरातल पे रखेगा, और दूसरा इससे हम संस्कारों का भी निर्माण कर सकते, क्योंकि बच्चों को जोड़ना है हमारे को। बस ठीक है सर, तो करेंगे बस, हम लोग इस ढंग से आगे बढ़े, और इस संस्था के ने हमारे को क्या नहीं दिया। अनिल जी आज औरंगाबाद के अंदर ये पोजीशन है कि 20 लाख की आबादी के अंदर राजकुमार जैन, जैसे आपने कहा कि सब लोग जानते हैं महावीर इंटरनेशनल के रद्दी वाला आदमी, ये इस नाम से भी जानते हैं, और बड़े बड़ी खुशी होती है। और आज भी अखबार पढ़ता है कोई व्यक्ति चबूतरे पे आप जैसे, तो वो ये कहता है बेटा आज का अखबार भी पढ़ लिया, ये भी ले जा, तो क्या नहीं दे सकता महावीर इंटरनेशनल। इसलिए सबसे यही कहूंगा कि महावीर इंटरनेशनल को अभी भी अगर नहीं समझ पाए तो जरूर समझिए, आज का ये वेबिनार बहुत कुछ समझा सकता है। धन्यवाद, जय महावीर। धन्यवाद राजकुमार जी बैठे साहब। देखिए मैं अभी कुछ समय पहले औरंगाबाद गया, मैंने इनका प्रोजेक्ट देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उस केंद्र का ये प्रोजेक्ट मैंने पहले कभी देखा नहीं था। रत्ती से सर्विस, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने किया, इससे आदमी की ईगो धरातल पर रहती है। रत्ती से पैसा लेना एक अलग बात है, वो छोटी बात है, लेकिन
पैसे के साथ हर वो व्यक्ति जो समाज सेवा के काम से जुड़ा है वो जाकर जब गली मोहल्ले में रद्दी मांगता है तो उसकी कितनी ईगो नीचे लेके आनी पड़ती है, यानी कि वो धरातल पर रहता है, समाज सेवा काम करने में उसको मजा आता है। मैंने भी कुछ देर के लिए उनके साथ काम किया, मजा आया। थैंक यू सो मच। सो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इससे बीच में मैं ये बात करूं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के जो लोग आए हैं यहाँ पर अच्छे गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसे अनिल लोढ़ा साहब ने अजमेर से काफी लोगों को इनवाइट किया, उनमें से कुछ लोग आए हुए हैं, गणपत जी सिंघवी एक्स चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश, राकेश शर्मा जी रिटायर्ड कर्नल अजमेर, हेमंत रावत जी एक्स चीफ इंजीनियर पीएचईडी जी अजमेर, महेंद्र चौहान एफ अजमेर, श्री कमल जी संचेती एस डी बाहेती जी, बसंत जी सोलंकी जी, ऐसे बहुत सारे, देवेंद्र कुमार बिश्नोई आईपीएस हैं जो बीकानेर से आए हुए हैं हमारे बीच में, मैं उन सबका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। मैं नाम नहीं ले पाया उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो मालूम नहीं चलता है वेबिनार में कि कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन हमारे सभी लोगों ने बहुत मेहनत से सब लोगों को बुलाया है और आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में हमारे मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब आएगा, पुष्प जी वाइस पास प्रेसिडेंट नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं। हमारी एक मेंबर है, अगर वो है यहाँ पर तो उनसे भी बात करते हैं। और एक हमारे बीच में डॉक्टर ललित पवार रिटायर्ड आईएएस है, वो भी आए हुए हैं, जो ओम भाटिया जी ने बुलाया था उनको, तो वो भी अगर यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं भुवनेश्वरी जी, अगर हमारे बीच में है तो एक मिनट के लिए आप अपना वक्तव्य दें भुवनेश्वरी जी। जय महावीर। मैं महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा के अध्यक्ष भुवनेश्वरी मालोत बांसवाड़ा से बोल रही हूँ। यस प्लीज। मैं पिछले कई वर्षों से महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा शाखा का दायित्व संभालती थी और वो दायित्व संभालते संभालते मुझ में सेवा का जज्बा जागा। फिर माहीवीरा केंद्र के माध्यम से पिछले कई वर्षों से मैं ये कार्य कर रही हूँ और इसमें मुझे नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ, सबसे बड़ी बात है। और इस कार्य के बल पर मैं निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनी गई और माहीवीरा ने अपने सेवा कार्यों की एक अलग पहचान बनाई है बांसवाड़ा में। सेवा कार्य ही मेरी पहचान बन गया है। महावीर इंटरनेशनल से जुड़कर मैंने जीवन के मकसद को सही रूप में जाना है और दिल में कुछ करने की मैंने ठान भी ली है अभी, और मानवता को मैंने पहचान लिया है, समाज सेवा ही मैंने अपना धर्म बना लिया है। मुझे इस महावीर इंटरनेशनल संस्था से जुड़कर प्रसन्नता हुई, आत्मिक सुख भी मिला और मेरे को ये लगता है कि किसी हंसते हुए किसी रोते हुए को भी हंसा देंगे तो वो भी भगवान की पूजा के बराबर है। और साथ ही मुझे महावीर इंटरनेशनल का जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से बांसवाड़ा की बेटियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने और उनको हमारे भामाशाह और हमारे केंद्र के द्वारा मशीनें मिलने पर वे जीविका उपार्जन का हौसला जगाने का एक सुंदर अवसर हमारे केंद्र को मिला है। बेबी किट का प्रोजेक्ट जो कई सालों से चला आ रहा है और माहीवीरा के केंद्र के थ्रू इसको गति भी प्रदान की है। बेबी किट प्रोजेक्ट के माध्यम से वेदांत समूह के द्वारा तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा हमें सखी अवार्ड से भी नवाजा गया था। माही सेवा के कार्यों को हमारी जो बहने बांसवाड़ा की देखती है तो वो भी जुड़ने की इच्छा करती है और कुछ न कुछ हमारे केंद्र को भेंट स्वरूप देना चाहती है। तो महावीर इंटरनेशनल का जो कार्य है, सबकी सेवा, सबको प्यार और इसकी जो प्रार्थना है सब सुखी रहे संसार, तो इस माध्यम से हम अपने केंद्र से जुड़कर इस मंतव्य को हम पूरा कर सकते हैं। हमारे केंद्र के द्वारा गोदान प्रोजेक्ट जैसे चल रहा है, कन्यादान है, जीव दया प्रकल्प है, हृदयों से जरूरतमंद बेटियों को फ्रॉके बनाना और रद्दी से जन समृद्धि जो बांसवाड़ा महावीर इंटरनेशनल शाखा ने चलाया था वो माहीवीरा केंद्र का निरंतर चल रहा है। और रद्दी से जन समृद्धि के अंतर्गत जो राशि हमें प्राप्त होती है उस राशि के माध्यम से हम पशुओं के लिए पक्षी स्टैंड बनाते हैं, चारा इकट्ठा करते हैं, अन्न इकट्ठा करते हैं और इस बांसवाड़ा में हम अभी तक 45 पक्षी स्टैंड लगा चुके हैं रद्दी के माध्यम से सिर्फ। तो ये सेवा का जज्बा मेरे तन मन में बस गया है, सबकी सेवा सबकी प्यार। सुबह उठते ही मुझे ये लगता है कि मुझे आज कुछ नया कुछ करना है और इसी भावना के साथ मेरे जीवन सुबह की शुरुआत होती है।
और योग भी मैं महावीर इंटरनेशनल के बैनर पे क्लास नियमित चलाती हूँ और अधिक से अधिक बहनों को जोड़ने का प्रयास भी करती हूँ। तो ये भावना, ऐसी भावना को देखकर बांसवाड़ा की कई महिलाएं कहती है कि हमको आपके केंद्र से जुड़ना है। और बहुत सारी आज हम 34 महिलाएं हमारे केंद्र की मेंबर बन चुकी है और नेक्स्ट जो अप्रैल आएगा उसमें भी बहुत सारी बनने के लिए तैयार है। तो ऐसी संस्था से जुड़कर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भी इसकी सदस्य हूँ और अधिक से अधिक बहनों को जोड़ने के लिए मैं संकल्पित हूँ। इसी भावना के साथ मैं धन्यवाद। थैंक यू भुवनेश्वरी जी, आपने अपने वक्तव्य में पूरी बात बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए अब मैं महावीर इंटरनेशनल की कुछ और चीजें, डाटा क्या है, देखिए हमारे पास इतना बड़ा नंबर है कि उसको बताना, दिया जला करके रोशनी करने के बराबर है। इतना काम किया है महावीर इंटरनेशनल ने 47 सालों में कि उसके नंबर्स की अगर आप बात करें, क्योंकि पहले कभी डाटा इतना रखा नहीं जाता था, लेकिन 300 सेंटर हर जगह अपने अपना काम करते हैं, पैसा वहीं पे लोकली इकट्ठा करते हैं, लोकल काम करते हैं, लोकल खर्चा करते हैं और फिर ये बताते हैं कि हमने इतना काम किया। एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे नंबर्स इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नंबर पूरे नहीं हो पाते। हर कोई व्यक्ति केवल काम करने में लगा है, रिपोर्ट करना ना करना, उसको कोई नाम नहीं चाहिए, उसको कोई लालच नहीं है, तो इसलिए वो केवल काम कर रहा है। अगर हम देखें तो अभी मतलब कोविड के पीरियड में हमने 25 करोड़ रुपए से अधिक के काम किए हैं। किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कुछ फंड डायरेक्टली खर्चा हुए, कुछ लोगों ने अपनी जेब से, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, अपने अपने सेंटर्स पे वो खर्चा किया जो कहीं काउंटिंग में नहीं आता। वो अपने लेवल पे खाना बांटता रहा, अपने लेवल पे दवाइयां बांटता रहा, ऐसे मास्क का वितरण करता रहा जो संस्था के माध्यम से हुआ। 1.2 मिलियन लोग है जिनको हमने ये सेवाएं पहुंचाई। अगर हम कहें कि मेडिकल की सेवाएं, तो हम तकरीबन 10 मिलियन लोगों को अब तक सबसे मेडिकल की सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। बट ये नंबर्स है, नंबर्स ये बिल्कुल छोटे नंबर में बात कर रहा हूँ, अगर इनको देखें तो बहुत बड़ा नंबर है जिसमें हमने काम किया है। हॉस्पिटल चल रहे हैं, सब जगह अपना अपना काम हो रहा है। कुल मिलाकर महावीर इंटरनेशनल एक अद्भुत संस्था है सर। जो भी लोग आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं वेबसाइट पे, कहीं पर भी सब कुछ खुला हुआ है, कहीं कोई पर्दा नहीं है। जो भी कोई वेरीफाई करना चाहे, देखना चाहे, सब चीजें वैसे शीशे की तरह साफ नजर आती है। अब हम इसको वेबिनार को आगे की तरफ ले जाते हैं। एक हमने आज एक प्रकाश जी, हम वो विजिटिंग कार्ड जो है महावीर इंटरनेशनल का, उसकी लॉन्चिंग करेंगे। एक देखिए डिजिटल कार्ड बनाया है महावीर इंटरनेशनल का। ये कार्ड ऐसा है कि आप उस कार्ड को जैसे ही प्रेस करेंगे, जिस जगह पर भी, फेसबुक पे प्रेस करेंगे फेसबुक खुल जाएगी, किसी और सोशल मीडिया में करेंगे तो लिंक्डइन करेंगे, कहीं भी जो भी आप करेंगे वो सब उस कार्ड से मिल जाएगा। नंबर करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। कार्ड देखें, लॉन्च करिए सर, बताइए। ये एक छोटा सा कार्ड है डबल फोल्ड में। अगर आप इसके जितने भी आइकन देख रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप, अगर जैसे इस व्हाट्सएप के बटन पे अगर प्रेस करेंगे तो ये व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो इस तरह से ये एक अच्छा सा कार्ड बनाया है जो आप सबके पास रहेगा। हम सब मेंबर्स को ये इसमें ग्रुप्स में डाल देंगे, सब लोगों के पास महावीर इंटरनेशनल का ये कार्ड रहेगा। जिसको भी आप बताना चाहे, महावीर इंटरनेशनल के बारे में जानकारी देना चाहे, वो जल्दी से वहां पे एक मिनट में उनके पास पहुंच जाएगी। और ये सारे टैब जो लगे हुए हैं, ये ऐसे ही जैसे टच करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा, व्हाट्सएप खुल जाएगा, फेसबुक खुल जाएगा, व्हाट्सएप फेसबुक का पेज महावीर इंटरनेशनल, आप बता सकते हैं प्रकाश जी करके, क्लिक करके? सर वो ऑनलाइन शो नहीं करेगा अभी, इसलिए सिर्फ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम सभी ग्रुप्स में डाल देंगे, ये आपकी जानकारी के लिए, और आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। महावीर इंटरनेशनल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें है। कोई पास प्रेसिडेंट आए क्या यहाँ पर अभी? अदरवाइज हम इसको क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ ले जाते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए सेशन ओपन करते हैं। जो लोग महावीर इंटरनेशनल के सदस्य नहीं है, जो लोग
कोई सवाल दिमाग में लिए हुए इतनी बात के बाद या कोई क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे पाया हूँ या संस्था के बारे में कोई जानकारी मेरी तरफ से अधूरी रह गई हो, तो 5 मिनट के लिए इस सेशन को ओपन करते हैं। कोई भी व्यक्ति संस्था से संबंधित या संस्था के अलावा समाज सेवा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर हो तो वो हम बात कर सकते हैं। यस प्लीज, दिस सेशन इज ओपन। हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो, क्योंकि जो मेंबर है उनको सब पता है, लेकिन जो लोग नए आए हैं अगर ये कोई बात कहना चाहे तो उनके लिए। ये है रमेश लाल जी बोरा, अहमदनगर से, महाराष्ट्र से हैंड रेस किया उन्होंने। रमेश जी साहब प्लीज। जय जिनेन्द्र टू ऑल। मैं अहमदनगर से आरडी बोरा बात कर रहा हूँ। मैं मेरा थोड़ा मैं परिचय देता हूँ। मैं रिटायर्ड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 2003 में केएसबी पंप्स एक जर्मन बेस कंपनी से रिटायर हो। आई एम ए फ्रीलांसर नाउ, आई एम इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट एनर्जी सेविंग, और मैं हस्य योगा मूवमेंट का भी नगर में काम करता हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका रमेश जी बाफना ने दिया है और मुझे खुशी हुई आपका जो सब कार्य जिस पद्धति से कर रहे हो। आई एम रियली एक्साइटेड एंड डिलाइटेड व्हाट एवर यू आर शेयर। बहुत अच्छा काम कर रहे हम लोग आप लोग। तो मैं इसका एनुअल फीस क्या रहता है मेंबर होने का, दैट आई विश टू नो। ठीक है, इसका जैसे फीस का क्या होता है कि जो हर्ष केंद्र है उसकी अपनी फीस है, उनका अपना सिस्टम है। तो जिस केंद्र में आप जुड़ना चाहेंगे वो बताएंगे। अपेक्स को उनको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना होता है, बस वही है। अदरवाइज वो हर केंद्र की अलग अलग फीस होती है। कोई लाइफ मेंबरशिप है, कहीं पे एनुअल मेंबरशिप है, कहीं पे स्पाउस मेंबरशिप है, वो अलग अलग अमाउंट है। आप लाइफ मेंबरशिप क्या होती है, कितना होती है वो अलग, हर केंद्र की अलग, वो अहमदनगर केंद्र वाले आपको अब बता देंगे। तो okay. मैं एक और दो तीन चीजें बताता हूँ। देखिए आज मेरे पास जो मैसेज आए हुए, एक ईशान जैन साहब है होशियारपुर में, वो एक नए केंद्र की स्थापना कर रहे हैं होशियारपुर में। बहुत बहुत बधाई हो ईशान जैन साहब, और जो इनके लिए एफर्ट है संजीव जी हीरालाल जी साहब, उनकी तरफ से एक मैसेज आया हुआ है कि वो एक नया केंद्र आज की बातों से प्रभावित होके, या पहले भी उनके दिमाग में चल रहा था तो होशियारपुर में वो केंद्र खोलेंगे। एक और गंगड़ तलाई बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर एक नया सेंटर खोलने की बात प्रवीण जी अग्रवाल चेयरपर्सन होंगे, और ये राजेश जी वाशनिया ने उनको मेरे को मैसेज भेजा है कि वो अभी करना चाहते हैं वहां पर एक नया सेंटर। ऐसे ही एक रोबिन बाबेल साहब है कोयम्बतूर में, वो भी एक नया सेंटर खोलना चाहते हैं। विनोद जी चोड़िया जो हमारे वाइस जो चेयरमैन है, उनका मैसेज आया है कि वो वहां पर रोबिन जी नया सेंटर कोयम्बतूर में खोलना चाहते हैं। अगर आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लोग सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने अपना मन बनाया कि वहाँ सेंटर खोले और समाज की सेवा के कार्य से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कुछ और जो महावीर इंटरनेशनल पंचकुला, रेखा जैन हैदराबाद, ये रेखा जैन हैदराबाद। आज काफी काफी जानकारी मिली एंड काफी चीजें भी पता चली। बस एक छोटा सा डाउट था कि ऐसी कोई डायरेक्टरी है जहां पे सब कुछ याद रखना माइट नॉट बी पॉसिबल, बट अगर कुछ रेफर करना हो कभी की, या कुछ मार्गदर्शन चाहिए होगा कि कुछ आइडिया है किसी ने ऑलरेडी किया रहेगा उनके एरिया में, कुछ वेबसाइट या कुछ डायरेक्टरी है? यस रेखा जी, देखिए एक डायरेक्टरी भी है जिसमें सब सदस्यों के नंबर है, जो मेन लोग हैं उनके सबके नंबर है, वो डायरेक्टरी हमेशा उपलब्ध रहती है। फिर वेबसाइट है महावीर इंटरनेशनल की, वहाँ सारी जानकारी है, जितनी भी मैगजीन होती है वहाँ पब्लिश होती है, जितने ऑफिस बेयरर्स हैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स हैं उन सबकी डिटेल वहाँ उपलब्ध है। तो आप जब चाहे वेबसाइट को क्लिक करें और वहाँ पहुँच करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी प्रोजेक्ट के बारे में भी। और थैंक यू। यस प्लीज ईशान जैन होशियारपुर से कुछ कहना चाहते हैं, इन्होंने अभी नया सेंटर खोल रहे हैं वहां पे। ईशान जी आपने एड्रेस किया। हाँ जी सर, जय जिनेन्द्र जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने मेंबरों के बीच में मेरा नाम लेके और मेरे को ये सेवा करने का मौका दिया। मैं आप सबका, अनिल जी आपका, प्रेजिडेंट साहब का और खास करके संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू शान जी। सवाल किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो वो ही करेंगे। तो
मैं ज्यादा प्रेफरेंस उन लोगों को देना चाहता हूँ जो महावीर इंटरनेशनल के सदस्य नहीं है और वो कोई क्वेरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कृपा 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 जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। जय महावीर सभी को। सर मैं मुंबई से हूँ। आई वर्क एज एन इंजीनियर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। तो सर मुझे जानना था कि अपना महावीर इंटरनेशनल का मुंबई सेंटर कहाँ पर है। मुंबई में हमारे कई सारे सेंटर हैं, जो पनवेल सेंटर है मुंबई है और उस तरह के 3-4 सेंटर वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ सुमन जी है, सुमन जी जैन अभी यहाँ सुन रही होंगी, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगी या आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहे तो वहाँ का सेंटर से आप जुड़ सकते हैं। यस ऑल राइट सर, धन्यवाद। और महावीर इंटरनेशनल का आज काम जान के बहुत खुशी हुई सर। ये नहीं पता था कि इतने अच्छे जैन ऑर्गेनाइजेशंस भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस काम को और पब्लिसिटी मिलनी चाहिए कि और लोग इससे जुड़ सके। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज आपको करेक्ट कर रहा हूँ। इतना बड़ा है ये भी सभी को पता चले। मैं आपको एक चीज करेक्ट कर रहा हूँ कि ये जैन संस्था नहीं है। मैंने सबसे पहले बताया ये जैन धर्म से प्रभावित है, महावीर के सिद्धांतों से प्रभावित है, लेकिन इसका धर्म से कोई लिंक नहीं। ओके, ये तो और भी बहुत सारा अच्छा। ये संस्था सभी के लिए खुली है, जो बस वो अच्छा इंसान होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, ऑल राइट सर, ये तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा। यस यस, एचएस के नाम से कोई आ रहा है, उनके हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, मेरी आवाज पहुंच रही है। जी सर, आ रही है। हाँ, थैंक यू अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सर मैं जेल सुपरिंटेंडेंट हूँ और यहाँ सिक्योरिटी प्रिजन अजमेर में लग रहा हूँ, और मैं ऐसे तबके का नेतृत्व करता हूँ, ऐसे तबके का संरक्षक हूँ जिसको समाज आम तौर पे कह सकते हैं नफरत की नज़र से देखता है या उनकी तरफ झांकना नहीं चाहता है। लेकिन मैं महावीर इंटरनेशनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि यहाँ की जो अजमेर की शाखा है महावीर इंटरनेशनल की, वो हमारी एक तरह से सिस्टर कंसर्न की तरह काम करती है और हमारी जेल में या जेल संस्थाओं में बहुत अच्छे से उन लोगों के लिए जो समाज के लिए बिल्कुल निकृष्ट हो चुके हैं उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको अपराध से तौबा कराने के लिए कार्य करती है। मैं आदरणीय वीरा इंदु जैन जी जो की चेयरपर्सन है और आदरणीय पदमचंद जी जैन का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो वेबिनार में मौजूद है, कि इन लोगों ने इतना काम किया है यहाँ पर। मैं पिछले 4 साल से अजमेर में मौजूद हूँ और इन 4 सालों में जेल के लिए, जेल में रहने वाले उन कैदियों के लिए इतना काम किया है कि इन लोगों से अपराध छुड़वाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्टर था जिस पे अनिल साहब नहीं बोल पाए थे, तो मैंने समझा कि मैं बता दूं आप सभी को कि इस सेक्टर में भी बहुत खूब काम कर रहा है महावीर इंटरनेशनल। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप इतने अच्छे लोग इस संस्था से जुड़े हुए। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस संस्था से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया बता करके, आप इतना अच्छा काम अजमेर में कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू पदम जी। मैं कर्नल डॉक्टर राकेश शर्मा अजमेर से, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट। यस अनम्यूट करिए प्रकाश जी। थैंक यू सर, मैं कर्नल डॉक्टर राकेश शर्मा, मेरा लास्ट पोर्टफोलियो झारखंड सरकार का एडवाइजर था मैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। 3 एरिया में मैं अपने बच्चों को या अपने से संबंधित लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। एक तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन काउंसलिंग, दूसरा स्पोर्ट्स, और तीसरा डिफेंस ऑफिसर्स के लिए ग्रूमिंग। ये मेरे पोर्टफोलियोज हैं। मेरी डॉटर भी एयरफोर्स में है एंड मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं, अजमेर का रहने वाला हूं, और पिछले 6-7 महीने से मैं अजमेर में ही रह रहा हूं। अगर कोई इसका फायदा उठाना चाहे, अनिल लोडे मेरे साथ थे ब्रिज पिलानी में, उनके माध्यम से मैं किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू, वेरी राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी लोडा साहब, थैंक यू पदम जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच ग्रेट पर्सनालिटीज। प्रदीप जी जैन फरीदाबाद से कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेज किया हुआ है ना, अनम्यूट कर दीजिए। यस प्लीज। जय जी ने सभी को। जय जी ने। और मैं बड़ा खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझको ऐसा एक मौका मिला सुशील जी फरीदाबाद जी के द्वारा
की संस्था से मैं दोबारा जुड़ पाया। मैं अहिंसा इंटरनेशनल में सेक्रेटरी के पद पर रहा हूँ और अपने सतीश जी हैं उनके द्वारा मैं महावीर इंटरनेशनल में 1990 में जुड़ा था, पर लेकिन कुछ कारणवश मैं रह गया, फिर मतलब यहाँ पर फिर और आगे नहीं आ पाया। आजकल के संदर्भ में मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर महावीर इंटरनेशनल इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर पाए कि कुछ पिछले कुछ वर्षों में क्या दिक्कत आ रही है कि डॉक्टर्स के एंड पे, वकीलों के एंड पे और पुलिस के एंड पे कुछ अनड्यू हैरेसमेंट होती है, और उसमें क्या होता है कि फिर जो व्यक्ति होता है वो बहुत मुश्किल स्थिति में फंस जाता है और उसको मदद नहीं मिल पाती। तो अगर इस संदर्भ में भी कुछ काम शुरू करना चाहें तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रोजेक्ट को भी टेकअप कर पाए, क्योंकि वो आपके दिमाग में कोई कार्य रचना है तो एक थोड़ा इस कॉन्सेप्ट नोट बना के भेजिए, इसको डिस्कस करेंगे गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में, अगर होगा तो इसको जरूर लेंगे सर। तो आपको भेजना है जी, कहाँ पर भेजना है? हाँ, मुझे भेज सकते हैं, ऑफिस में भेज सकते हैं, कहीं भी। ठीक है जी, बहुत सम्मति जी थोड़ी भी कुछ बात करना चाहते हैं, हालांकि वो हमारे मेंबर है लेकिन फिर भी उनका कोई सवाल हो सकता है। सम्मति जी सोने साहब अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज, सन्मति जी ठोले को अनम्यूट कीजिए। काजी हाँ बोलिए सर। मैं डॉक्टर सन्मति ठोले औरंगाबाद से हूँ। करीबन 40 साल से मैं बाल रोग तज्ञ बोल के प्रैक्टिस करता हूँ। अभी अभी प्रदीप जी जैन ने फरीदाबाद वालों ने एक बहुत अच्छा इश्यू यहाँ उपस्थित किया है, उस संदर्भ में मैं मेरी बात रखना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर होने के नाते मेरा यह धर्म है कि मैं समाज सेवा के साथ साथ रुग्णों की सेवा बहुत अच्छे से कर सको, और ये सेवा का मौका मुझे महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से गत 40 साल से मिल रहा है। और इसके माध्यम से हमने औरंगाबाद में एक महावीर डायग्नोस्टिक सेंटर जो बहुत बड़े पैमाने पे समाज सेवा के अपने इसमें बहुत अच्छे से सेवा दे रहा है, जो 40% छूट के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ सभी तबकों के लिए यहाँ उपलब्ध कर चुका हूँ। मुझे खुशी है कि अनिल जी जैन भी इस हमारे सेंटर के लिए आए थे और इस सेंटर का काम भी उन्होंने देखा है, और इस सेंटर के माध्यम से मेरी विनंती रहेगी कि ऐसे सेंटर अगर हर जगह पे अगर अपने डॉक्टर्स लोग इसमें जो जुड़े हैं वो अगर अपनी जगह पे शुरू करते हैं तो इससे अच्छी सेवा, धर्म की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा बहुत अच्छे से हो सकती है। धन्यवाद वीर अनिल जी जैन और बाकी सभी महावीर इंटरनेशनल। थैंक यू सन्मति जी। हमारे पास महावीर इंटरनेशनल पंचकूला से कुछ सवाल है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अनम्यूट करें। और इन द मीन टाइम मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सीएसआर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं वो जो बात बताना चाहता था बीच बीच में छूट गई है क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जो बहुत जरूरी है मैं बात करना चाहता हूँ। महावीर इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है, हिंदुस्तान का कोई मेजर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं, जिसको नवरत्ना भी बोलते हैं, नवरत्ना पीएसयू या और नेशनल लेवल के पीएसयू ऐसा नहीं है जो महावीर इंटरनेशनल को नहीं जानता हो। हमने कभी न कभी किसी न किसी पीएसयू से, उन पीएसयू से सीएसआर के माध्यम से बहुत सारा काम किया है। नाम के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कॉनकोर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, कोल इंडिया, इफको, IRCTC, NBCCFG, इरकोन, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके साथ महावीर इंटरनेशनल ने काम ना किया हो। ये एक बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स की बात है, करोड़ों रुपए का काम हमने उनके साथ, ऐसी संस्थाओं के साथ किया है, अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी और विश्वास महावीर इंटरनेशनल के ऊपर जमा हुआ है। क्योंकि हम काम करते हैं, काम करने के बाद उसकी रिपोर्ट देते हैं, ईमानदारी से सब चीजें होती है, पारदर्शिता के साथ होती है, इसलिए महावीर इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी उन संस्थाओं की निगाह में पूरी तरह से है। और इसमें अभी जो वर्तमान में हमारे जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है अशोक जी जैन, जो CSR का काम देखते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन उन लोगों के साथ टच में रहते हैं। किसी भी सेंटर की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी सेंटर का कोई काम हो, CSR के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी के मस्तिष्क में हो जो वो करना चाहता हो अच्छे रूप से, तो अशोक जी हमारे जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है दिल्ली में है, मेरे दोस्त है, मेरे साथ महावीर इंटरनेशनल दिल्ली में बहुत काम किया है, वो CSR का काम करने को किसी भी केंद्र की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
थैंक यू सो मच। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं क्योंकि 8:40 हो गए। मैं 8:15 का टारगेट लिया था मैंने, लेकिन फिर भी 15 मिनट थोड़ा लेट हो गए। अब हम इसको क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं और मैं इंटरनेशनल ट्रेजर सुधीर जैन जी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें और फिर उसके बाद राष्ट्रगान के साथ इस वेबिनार को समापन करें। सुधीर जी जैन साहब। धन्यवाद अनिल जी। सभी को जय महावीर, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस वेबिनार में इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो गेस्ट इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक ही बात मेन मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे ये तो सभी जानते हैं कि तन और मन के साथ धन भी लगना बहुत जरूरी है, और उस धन के लिए हमारे साथ जितने भी सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हैं वो एक या दो बार नहीं, काफी लंबे समय से लगातार हमें सेवा कार्य में अपना योगदान करते रहे हैं। और यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो सेवाएं हैं, वो कितनी सच्चे हृदय से करी जा रही हैं। और इसीलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इस संस्था के साथ जुड़ने का अपना मन बनाएं और संस्था से जुड़ें। जहाँ पे अभी सेंटर हमारे नहीं है वहाँ पे सेंटर खुलने की कोशिश की जाए, जिससे कि हमारी सेवाओं का विस्तार उन जगहों पर भी हो सके जहां अभी हमारी प्रेजेंस नहीं है। इसी के साथ अभी अनिल जी ने बोला कि सीएसआर में एक्टिविटी में हमारा बहुत काम हो रहा है, कॉन्कोर जैसे अभी नाम लिए उन्होंने। कॉन्कोर हमारे साथ लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ है, हर साल हमें अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट पे पैसा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अपने सीएसआर में। तो यह हमारी सेवाओं का सच्चा प्रमाण है कि हम ये सेवाएं कितनी निष्ठा से लोगों को तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यदि आप हमारे फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो जितना पैसा हम इकट्ठा करते हैं प्रशासनिक कार्यों में, हमारा पैसा मुश्किल से 10-15% खर्च होता है, 85-90% खर्चा हमारा सेवा कार्यों में ही लगता है। यही हमारी सेवा का सच्चा प्रमाण है कि हम सेवा में ही सारा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रशासनिक कार्यों में कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक सेवा करें, ये हमारा मुख्य ध्येय रहता है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस संस्था से जुड़ने का अपना मन बनाएं और आगे से आगे सेवा कार्यों में योगदान करें, प्राणी मात्र को अपना सहयोग प्रदान करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर, जय वीर। थैंक यू सुधीर जी। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जैन भी मेरे दोस्त हैं, पुराने हुए हैं, मेरे मामा के दोस्त के बेटे हैं। विकास पाटनी जी है औरंगाबाद से। मैं सब लोगों को तो नहीं देख पा रहा हूँ। गौतम जी राठौर है, चारू जी है, हमारे साथ कलकत्ता से संदीप जैन जुड़े हुए हैं, संभाल से प्रमोद छावड़ा जी जुड़े हुए हैं, जिनसे की हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी हम कुछ सेंटर खोल सके। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इस वेबिनार को, क्योंकि हर अच्छी चीज का समापन होना जरूरी है, तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं, इसको समापन की तरफ लेके जाते हैं। राष्ट्रगान के लिए खड़े हो गए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यस प्लीज। तो आज की इस मीटिंग का समापन करते हैं और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी ने फॉर्मल तरीके से सबका धन्यवाद दे दिया है और फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। थैंक यू। जय महावीर। जय महावीर। भारत माता की जय।
जय हर माता की जय।